अजीतगढ़ से। आज सीकर की अजीतगढ़ पुलिस थाने के अंतर्गत शिक्षक की गले रेत कर हत्या का मामला सामने आया है, जहां पर सीताराम स्वामी अध्यापक नीमली रायपुर जागीर निवासी को कल रात्रि रिश्तेदारों के घर से आते समय रायपुर जागीर पिथलपुर मार्ग पर कुछ हथियारों के द्वारा गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, जो छह बहनों के बीच इकलौता भाई था। उस वक्त मामले में आज 18 घंटे की लंबी मशक्कत के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल अजीतगढ़ के मोर्चरी में भिजवाया गया। मौके पर श्री माधोपुर के पूर्व विधायक छाबर सिंह खर्रा, नीम का थाना एडिशनल एसपी रतन लाल भार्गव, नीम का थाना सीओ गिरधारी लाल शर्मा, थोई थाना अधिकारी अशोक कुमार अजीतगढ़, एसएचओ प्रकाश सिंह राठौर, खंडोला एसएचओ गीसाराम, अजीतगढ़ पंचायत समिति के प्रथम एडवोकेट शंकरलाल यादव, समाजसेवी रामधन यादव, मोहन सोलेट, पूरनजी मीणा, बाड़ी जोड़ी सरपंच अनिल त्रिवेदी, पीथलपुर पूर्व सरपंच बाबूलाल स्वामी, रायपुर जागीर सरपंच प्रतिनिधि रामकरण, कुमावत समाजसेवी बलराम यादव, खटकड़ सरपंच शिंबू दयाल मीणा, रामकुमार गुर्जर, मुकेश पारोड़ा आदि लोग मौजूद रहे। पुलिस ने लोगों को हिरासत में लेकर लगातार ग्रामीणों व परिजनों से कर रहे हैं पूछताछ। तमाम प्रशासन अधिकारियों ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि हथियारों को शीघ्र जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मारा गया है और हत्या का ही मामला लगता है घटना स्थल को और डेड बॉडी को देखने से। अभी तक परिजनों द्वारा कोई प्रकरण दर्ज नहीं कराया गया है। अभी अभियुक्तों के बारे में वो मांग कर रहे हैं कि सब अभियुक्त गिरफ्तार करें। हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं और टीमें लगाए रखी है, जल्दी ही हम लोग इसको वर्कआउट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हो जाएगा। रायपुर जागीर और पीथलपुर के बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें बिल्कुल प्रशासन को एक नई चौकी स्थापित करनी चाहिए और उसमें पूर्णतया प्रभावी स्टाफ लगाना चाहिए, जिससे कि ये जो रोज अपराध हो रहे हैं इन पर अंकुश लग सके। तो आप अभी एसपी साहब आ जाएं, मान लो संभावना वक्त करें कि एसपी साहब आएंगे, तो उनके सामने क्या आप जनता की ये मांग रखोगे? एसपी साहब आएंगे, बिल्कुल ये पूरी जनता की मांग है और हम सब की ये मांग है, इसको पुरजोर तरीके से रखेंगे और आशा ही नहीं, हम पूर्णतः अपेक्षा भी करते हैं कि शायद एसपी साहब इस मांग को पूरा करेंगे।